अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सेकेंड ईयर मैथ्स का एक और पास पेपर का सोल्यूशन है। देखो, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। और ये सवाल जा रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट में भी कई बार आए हैं, तो ऑलराउंडर टॉपिक है। अब देखो करो क्या, जब भी इस टाइप का सवाल हो ना, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, और टेन एक्स को लिख दो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन क्यूब एक्स को नहीं छेड़ो। देखो कॉस एक्स एलसीएम लेंगे ना, तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और अपॉन का अलग कॉस एक्स तो है, ठीक है, ये साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ से साइन एक्स कॉमन आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, वन माइनस कॉस एक्स बचेगा, ठीक है, ये कॉस एक्स है। अब मैं क्या करूँगा, देखो साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, ताकि ये एक साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाए, ठीक है भाई, ये किया मैंने। और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसे कर दिए, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जो कि बराबर होता है ए माइनस ए प्लस बी, वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स हटा दो। अब ये वन अपॉन कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स, कॉस जीरो की जगह वन है, कॉस जीरो की जगह वन प्लस वन, वन अपॉन टू, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई।